प्रिल चक्रा, इसे हम स्वादिष्ठाना बोलते हैं। कलर है ऑरेंज कलर। सैक्रल चक्र का लोकेशन लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक में होता है। अगर इस चक्रा में इम्बैलेंसेस है तो हमें क्रिएटिविटी प्रॉब्लम, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है, ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, तो बहुत ही एक अग्रेसिव एटीट्यूड हो जाता है। अगर सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है तो हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे डरे हुए रहना, शाय फील करना, किसी को इजीली ट्रस्ट नहीं करना, या लोगों को और अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस के प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट नहीं कर पाना दूसरों को, और फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे बैक प्रॉब्लम्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी इश्यूज़, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है तो। अब देखते हैं कि इस चक्रा को हम बैलेंस कैसे करें। जैसे कि मैंने कहा, ये चक्रा ऑरेंज कलर है, तो हमें जितना हो सके ऑरेंज चीज़ें प्रेफर करना चाहिए, जैसे ऑरेंजेस हो गया, जूसी फ्रूट्स हो गए, मैंगो, मेलन्स, ये सब हमें अपने न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना चाहिए। और ये चक्रा वाटर से रिलेटेड होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एटलीस्ट 3 to 3.5 liters वाटर दिन में लें, वो आपको हेल्प करेगा इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये चक्रा हमारे इमोशंस को रूल करता है। तो जितना हम इमोशनली क्रिएटिव रखेंगे अपने आप को, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जो आपको पसंद है, क्रिएटिव है, तो ये चक्र उससे बैलेंस हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट्स है, या डांसिंग, सिंगिंग, ऐसा कोई टैलेंट है जिसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर हम रिपीटेड बोलते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स भेज रहे हैं, और हमने जो ऑलरेडी लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थिंकिंग बनाई रखी है, वो सब नेगेटिव थिंकिंग क्लियर होती जाती है, वो ब्लॉक्स रिमूव होते जाते हैं, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस इसके लिए होगा कि आई अलाउ माई इमोशंस टू फ्लो, ये आप रिपीट कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार रिपीट कीजिए, एटलीस्ट 21 डेज तक आपको इसे रिपीट करना है। तो ये सब अगर आप करते रहेंगे तो हम सैक्रल चक्रा को इजीली बैलेंस कर सकते हैं।